ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक बार फिर से जो पाकिस्तान है उसका नापाक चेहरा देखने को मिला है। जितेंद्र, क्या जानकारी आ रही है? देखिए, ये जो वीडियो आई थी, दिल दहला देने वाली वीडियो आई थी, कोई मुसलमान है जो कि किसी सिख हिंदू लड़की को, जो धर्म परिवर्तन करा के इस्लाम अपनाया गया है, उसको लेके जो मामला वहां पर गरमाया हुआ था, और इसी को लेके जब हिंदुस्तान की तरफ से प्रेशर बढ़ा कि आप हिंदू सिखों पर जो मिनोरिटी है जो पाकिस्तान में आ रही है उसपे जुल्म कैसे होने दे रहे हो, उसको लेके वहां की सरकार ने थोड़ा प्रेशर बनाया था, और इसको लेके वो जो युवक है जिसने सिखों की लड़की के साथ विवाह किया था और इस्लाम धर्म अपनाया था, उसको लेके उसके भाई ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था परसों गुरुद्वारा ननकाना साहब, जो कि हिंदू सिखों का मक्का कहा जाता है, वहां पर जाके पथराव किया था, और स्थिति बड़ी तनावपूर्ण हो गई थी, जिसके बाद कल बहुत बड़े पैमाने पर भारत में सिखों में हिंदुओं में रोष पाया जा रहा था, जिसको देखकर भारत सरकार के द्वारा भी पाकिस्तान सरकार को कई बार इसके बारे अवगत कराया और धमकियां भी दी, और उसके बाद कल देर शाम एक वीडियो जारी हुआ जो युवक पाकिस्तान में ननकाना साहब को घेर कर पत्थरबाजी करने और हिंदू और सिखों को पाकिस्तान से निकल जाने की धमकी दे रहा है, वही गिड़गिड़ाता हुआ माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जितेंद्र, सिद्धू पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सिद्धू हमेशा से ही उनका जो है फेवर करते हुए नजर आए इमरान खान का, लेकिन अब सवाल सिद्धू पर भी खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल खड़े हो रही है, क्योंकि सिद्धू को कोई ना कोई बयान देना चाहिए था। पहले तो वो जफ्फी डालने वाला जो मुद्दा आता है, फिर वो ननकाना साहब कॉरिडोर खोलने को लेकर श्रेय लेते हैं, पर अब वहां पर जब सिखों के ऊपर हिंदुओं पर इतने बड़े अत्याचार हो रहे हैं, अब उनका मुंह क्यों बंद है? उनको कहीं ना कहीं इसके ऊपर इमरान खान को कुछ ना कुछ कोई ट्वीट करके जहाँ कोई उनको चिट्ठी पत्र लिखना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई नवजोत सिद्धू की तरफ से बयान नहीं आया, कोई उन्होंने बात नहीं की, जो कि अपने आप बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि पहले यह कहा जाता कि हिंदू सिख जो है भाई भाई है, ठीक है, मुसलमान भाई भाई है, पर वही मुसलमान एक घाव करते हैं और सिद्धू चुपचाप बैठे रहते हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। इसको लेके भी चर्चा है गर्म है, और कोशिश की जाएगी कि नवजोत सिद्धू से भी सवाल किया जाए कि आप इसको लेके चुप्पी क्यों धारण किए हुए, क्योंकि ये जो चेहरे हैं जो नंगे हो गए हैं, और सिखों के साथ जो जुल्म है, हिंदुओं के साथ जो जुल्म हो रहे हैं पाकिस्तान में, उसकी जो प्रत्यक्ष तस्वीर है, और जो युवक जो माफी मांगता दिख रहा है, जो युवक ने हिंदू और सिखों की लड़की के साथ शादी की थी, आयशा नाम बताया जा रहा है, और हरलीन कौर उसका असली नाम है, जो नाम धर्म परिवर्तन के बाद आयशा नाम रख दिया था, उसके जो भाई है उसका जो बड़ा जो जेठ है, जो उसका नाम अरमान चिश्ती बताया जा रहा है, वो अपने परिवार में बैठ के माफी मांग रहा है। इसमें कहीं ना कहीं ये भी शंका जाहिर कर रही है कि आपस में लेके हो सकता है दबाव बड़ा हो, मोदी सरकार ने कुछ ना जो एक्शन लिया हो उससे वो डरा हो सकता है, सरकार के इशारे पे बात हो रही हो, पर ये वीडियो अपने आप में कोई संकेत है घटना का, कई ये चीज है, इसके पीछे क्या कारण है मतलब रहा होगा। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया से तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि 90% हिंदू पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। श्री ननकाना साहिब पर हुए हमले को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू अभी तक चुप हैं, जिसके चलते अकाली बीजेपी के साथ साथ अब आम लोग भी सिद्धू की खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं। इसी को लेकर पटियाला के आर्य समाज से रोष मार्च निकाला गया। बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान खान के खिलाफ रोष जाहिर किया और सिद्धू के कोठी का घेराव करने के लिए वहां पहुंचे।